अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल खुशामदीद। आप सब कैसे हैं? और अल्लाह से दुआ करूँ है आप ठीक होंगे, आप हेल्थी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपसे जौन सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है मूंग की दाल की खिचड़ी की। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो आपको दिखाते हैं। ये हमने एक बोल लिया है, ठीक है जी। और ये जनाब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ये वाला कप हम यूज़ करेंगे, एक कप, और ये दो कप चावल हमने लिए हैं, ठीक है जी। ये 2.5 कप चावल हो गए हमारे, ठीक है जी। अब इसमें हम जो डालेंगे ये है मूंग की दाल, छिलकों वाली मूंग की दाल है। ये देख लें, ये छिलकों वाली मूंग की दाल है, ठीक है जी। ये हमने एक कप भर के ले लिया है। ये इसमें जाएगी तकरीबन 1 कप आप फुल भर के ले लें मूंग की दाल, ठीक है। ये हमारी मूंग की दाल हो गई और ये हमारे हो गए चावल, ठीक है जी। अब हम इसको जो है पानी के अंदर इनको भिगो देंगे। और इसमें जो चीज जाएंगी वो है जनाब ये एक इस साइज की जौन सी है, ये एक प्याज जाएगी। ये एक प्याज जो हमने लिया है ये सैलेड बनाएंगे हम, ठीक है जी। ये एक टमाटर और 2 खीरे। और इसमें जाएगा नमक, जाएगा हम तकरीबन 1.5 चम्मच डालेंगे। ये हमारा 1 चम्मच हो गया और ये आधा, ठीक है जी। अगर कम होगा तो फिर हम और डालेंगे, ठीक है जी। तो हम चावल और दाल को 2 से 3 मरतबा पानी डाल के इनको भिगो के रखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम ये रखते हैं पैन अपना, ठीक है जी। और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो इसमें हमने ये 1/2 कप जो है ऑयल का लिया है, ठीक है जी। हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें जो है प्याज ऐड करेंगे, जरा हमारा थोड़ा सा ऑयल हो जाए। ये कह रहे हैं कि अब ये गर्मियों में गर्मियों के लाइट खाने हैं ये जो है। इसको बनाने में भी टाइम कोई ज्यादा नहीं लगता है। हमने जो लिए थे चावल और दाल दोनों को सेपरेट सेपरेट भिगो के रख दिया है, ठीक है जी। जैसे ये गलेंगे पकेंगे वैसे वैसे आपको दिखाएंगे। और चावलों को दम दे के फिर हम सेपरेट बनाएंगे। ये दही रायते के साथ, सादे दही के साथ बहुत मजे की लगती है चाट के साथ। पानी हमने जितने कप दाल और चावल लिए हैं, 2.5 कप हमने चावल लिया है और 1 कप भर के हमने फुल हमने जो दाल का लिया है, ठीक है। तो ये 3.5 कप बने, तो उसमें हम तकरीबन 5 कप 5.5 कप पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा दाल को गलाना है। हमने 1.5 चम्मच नमक लिया है, ठीक है जी। जब हम दाल को इसमें ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, पानी डालेंगे, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो फिर हम और डाल देंगे, ठीक है जी। इन्हें 5 से 7 मिनट लगते हैं प्याज को थोड़ा ब्राउन करने के लिए। देखो हमारी प्याज आग में हो गई है, थोड़ा सा रह गया इसमें, ठीक है जी। तो हमने इसको लाइट ब्राउन सा करना है। ठीक है जी, हमारी हो गई है प्याज, बस ऐसी ही रखनी है। अब हम यहाँ पे इसमें दाल ऐड कर देंगे।
सब बनेंगे। हमें खिचड़ी में दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको कम अच्छी लगती है, कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग चावल लिए हैं उसको छोटा हिस्सा दाल का डालते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए आप यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। दाल भून गई है, इसमें पानी नहीं है, ठीक है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये जो हमने लिया था कप, ये एक कप, ये दो कप, ये तीन कप, ये चार कप और ये हमारे साढ़े चार कप हो गए। तो यहाँ पे हमने इसमें आधा कप और डाल देना, ये पूरे हमारे पांच कप, साढ़े पांच कप बन जाएंगे। और इसमें हमने जो है नमक भी डाल दिया है, दाल भी डाल दी है, ये हमारी प्याज भी हो गई है, ठीक है जी। अब ये थोड़ा पकेगी, जैसे अभी हमने ये दाल डाली है अभी कच्ची है, ठीक है जी। जब ये आधी पक जाएगी तो फिर यहाँ पे हम इसमें जो है चावल ऐड करेंगे। तो हम इसको फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे ताकि जो हमारा पानी है इसमें दाल के अंदर वो ज़्यादा खुशक ना हो और दाल भी गल जाए, ठीक है। अब हम इसको कवर करते हैं और तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको दोबारा देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस कंडीशन में है, ठीक है जी। चलें जी हम देखते हैं। ये हमने मीडियम फ्लेम पे कर दिया था ताकि जो दाल है हमारी वो गल जाए अच्छे से। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जो दाल है हमारी हो गई है, ऐसी ही रखनी है। तीन हिस्से गल चुकी है ये, ठीक है जी। ये देखिए तीन हिस्से गल चुके हैं, एक हिस्सा है वो चावलों के साथ हो जाएगी। तो अब हम इसको जो सा है इसके अंदर हम जो है चावल ऐड कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम चावल ऐड कर देंगे। हमने जो उनका फ्लेम है वो मीडियम से भी हमने लो रखा हुआ था, ठीक है जी, ताकि जो है दाल अच्छे से गल जाए। आपको दाल ज्यादा नजर आ रही होगी अभी, लेकिन जब चावल होके आएंगे तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। और एक बात और, अगर आपको लगे दाल पकते वक्त के पानी कम रह गया है चावलों के हिसाब से, तो आप उसमें गरम करके जितना जरूरी है उतना पानी डाल सकते हैं। हम नमक टेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है जी, कि इसका नमक जो है ठीक है। तो हमने 1.5 चम्मच इसमें नमक डाला था जो कि हमें कम लग रहा है, ठीक है जी। ये 1 चम्मच और हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो इसमें जी 2.5 चम्मच ही नमक जाएगा, 2.5 जोन सा है टेबल स्पून जाएगा, ये देखिए ना, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। इसी फ्लेम पे हमने हाई नहीं करनी है, इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर देखेंगे इसको दम के लिए हमें कितनी देर के लिए छोड़ना है, ठीक है जी। चलिए जी हम चेक करते हैं, तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, ये देख लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे चावल, अब इसमें थोड़ा पानी है नीचे, बस इसी वक्त हमें इसको जो है दम पे लगा देंगे और इसको हम लगाएंगे दम पे, ठीक है जी। ये लीजिए, ये हमारी खिचड़ी हो गई है दम के लिए रेडी। और अब यहाँ पे हम इसके नीचे रखेंगे ये तवा, थोड़ी देर के लिए हम फ्लेम लो करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है जी। जैसे ही हमारा तवा हीट अप हो जाएगा थोड़ा सा लो पे कर देंगे दम के लिए,
एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि जैसे कि आपने दाल और चावल लिए, आपने राइट अवे खिचड़ी बनानी है, तो फिर आपने अगर 2 कप चावल लिए, 1 कप दाल ली है, तो आपको डबल पानी करना पड़ेगा, 5 कप, ठीक है जी। और अगर आपने आधे घंटे पहले आपने भिगोई है दाल भी और चावल भी, सेपरेट सेपरेट भिगोने हैं, ठीक है। अगर आपने आधा घंटा पहले भिगोई है तो फिर आपने पूरा पूरा पानी डालना है, आधा कप थोड़ा ज्यादा डाल दें बस, क्यों कि हमने जो है दाल को गलाने के लिए जो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालते हैं ताकि फिर पूरा पूरा आ जाए। और चावल तो आपको पता ही है, चावल जल्दी से हो जाते हैं, ठीक है जी। अब हमने इसको रख दिया है दम पे, और अब ये तकरीबन हमारे दम में होगा तकरीबन 8 से 10 मिनट में, तो 8 से 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। चलें जी, हम देखते हैं इसको, ठीक है जी। ये देखिए हमारी मूंग दाल की खिचड़ी, ये देख लें, ठीक है जी, ये देखिए ऐसे ही होनी चाहिए। चावल हमारे ये देख लें सारे, ये हमारी मूंग दाल की खिचड़ी रेडी है, और हमें ऐसे ही चाहिए थी ये, ठीक है जी। चावल ये देख लें, इसके चावल भी सही है। और जब हम ये छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं खिचड़ी, तो इसको हम और नरम कर लेते हैं थोड़ी, ताकि बच्चों के लिए खाने के लिए इजी हो, ठीक है जी। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमने दही लिया है, ठीक है जी, इसमें से हमने थोड़ा जो है एक प्याली हमने प्लेन निकाल लिया दही, और इसमें हम जो है अपने पुदीने की चटनी डालेंगे ये, और इसको मिक्स करेंगे। तो ज़्यादातर जो है हमारे घर में जो है ये प्लेन दही के साथ खाई जाती है, और कुछ मेंबर जो है वो चटनी के साथ भी खाते हैं पुदीने की, ठीक है जी। ये देखिए, ये हमारी जो है खिचड़ी, ये देख लीजिए विद सैलड, और ये बहुत मज़े की बनती है, ठीक है जी। तो इसको बनाइए, खाइए, तो जनाब बनाइए हेल्थी और खाइए हेल्थी, और हमें दुआओं में याद रखिए, और जो है हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो जो आपको मिलती रहे, ये दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।